राजनपुर में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी आ गई। सैलाबी पानी कई देहात में दाखिल हो गया है। इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे इलियास गबोल से। इलियास, आगाह कीजिए सूरत हाल से। जी बिल्कुल, राजनपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रोज को ही सैलाब दरा का सुल्तान से 1 लाख क्यूसेक आने वाले रेले ने जो है दर्जनों देहात दबो दिए। रास्ते में आने वाले अगर मैं इलाकों की बात करता चलूँ, लालगढ़, लुंडी, सैदान, चटूल, झोक, मकवल, हड़ंद के इलाके हैं, मीरमपुर के इलाके हैं। इसके बाद ये जो है शहरी आबादियों की जानब ये सैलाबी रेला बढ़ है, इससे जो है फाजिलपुर शहर को भी खतरा बढ़ गया है और जामपुर के जो इलाके हैं हमारी तहसील के उनको भी खतरा बढ़ गया है। अगर ये पानी मजीद जो है सेम नाले के जरिए राजनपुर की तरफ बढ़ रहा है और जो देहात हैं वो भी जेरे आबा चुके हैं, बाद ऐसे इलाके हैं लोग अभी तक वहाँ घरों में महसूर हैं। लोग ये भी देखने में आया है कि जब रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने गई तो लोग दरख्तों पे, लोगों ने छतों और दरख्तों पर पनाह ले रखी थी। इंतजामिया की कहना है कि यहाँ पर जो है हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है बड़े पैमाने पर और तवक्को से ज़्यादा जो सैलाब सैलाबी पानी है इस वक्त जो रेला है वो मुख्तलिफ आबादियों को नुकसान पहुँचा रहा है और इसके बाद मजीद जो है बारिशों की तवक्को की जा रही है, जिसके जो मुतासरीन हैं बेजार और मददगार उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है।